जैन दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 069 रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की तरफ से जो एक ITI पास स्टूडेंट के लिए एक रिक्वायरमेंट निकल के आया, ये जो कि किन किन ट्रेड वालों के लिए और किन ट्रेड में कितने सीट है उसके बारे में जो है कि हम लोग फुल जानकारी लेंगे आप इस तो इसके लिए जो कि वीडियो के अंत तक आप लोग को बने रहना है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ओके, तो देखते यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विज्ञापन से एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है कि आपका जो है कि दिया हुआ है /03/2022। ओके, वहाँ आवेदन पत्र जमा यानी कि ऑनलाइन जो फॉर्म भरना है उसका जो लास्ट डेट है 3 जुलाई 2022 है। ओके, और यहाँ पे जो है कि देख सकते हैं कि कितना सीट है, किस सीट में कितना वेतन होगा, आयु एज क्राइटेरिया क्या है, ये सारा जो है कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पदनाम जो है कि आपका टेक्नीशियन फर्स्ट के अंतर्गत आपका जो है कि फॉर्म फिल होगा। पदों की संख्या जो है कि 79 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है कि 79 है, इसको कैटेगरी वाइज बांटा गया है। 32 जो कान रिजर्व के लिए है, EWS के लिए 8 सीट है, OBC के लिए 21 सीट है, SC के लिए 12 सीट है और ST के लिए 6 सीट है और PWD के लिए जो कि 3 सीट रिजर्व रखा गया है। वेतन स्तर की बात की जाए तो सेकेंड लेवल का स्तर दिया जाएगा कि जो कि 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक होगा। मूल वेतन की बात की जाए तो वो 19,900 रुपये होने वाला है। कुल परिलंबित की बात की जाए तो जो आपको जो मंथली सैलरी मिलेगा वो आपको मिलेगा 33,848 रुपया और ऊपरी जो हायर एज लिमिट की बात की जाए तो 28 ईयर आपका एज होना चाहिए मैक्सिमम, तो जो कि जनरल के लिए है। ST SC वालों के लिए जो है कि 5 साल यहाँ से एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर गवर्नमेंट रूल और OBC वालों के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो यहाँ पे जो है कि आप देख सकते हैं कि क्रिटेरिया वाइज जो कि किस स्टेट में कितना सीट है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जी आपको जो कि विशेष ये जो कि कोड नंबर दिया गया है और ट्रेड दिया गया, तो G2 में जो है कि एक सीट है, सॉरी ये जो है कि 01 G201 जो इलेक्ट्रीशियन है उसमें जो है कि टोटल नंबर ऑफ सीट जो है कि 17 है इलेक्ट्रीशियन में, जिसमें अनरिजर्व को 7 सीट रख दिया गया है, EWS को 1, OBC को 5, SC को 3 और ST को 8 और PWD के लिए 1 यहाँ पे जो है कि रिजर्व रखा गया है। वहीं जो है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपको जो कि मैट्रिक में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और प्लस जो है कि आपका मैट्रिक में 55% मार्क्स होना अनिवार्य है और आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आप जो है कि विज्ञान सहित उन्होंने टोटल जो साइंस अकॉर्डिंग टू साइंस का इंक्लूड होकर आपका जो कि मैट्रिक में 55% मार्क्स होना चाहिए और 10th में जो है कि इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिकल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो है कि आपका सहित होना चाहिए और वो जो है कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के रूप में 2 साल का आपको अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर विषय की बात की जाए तो विज्ञान विषय फिर जो कि यही शर्त दिया गया है या फिर आपके पास जो है कि 55% मार्क्स होना चाहिए मैट्रिक में और जो है कि आप जो है कि किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र से या निजी क्षेत्र से इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल इलेक्ट्रिक ट्रेड में 3 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो है वैज्ञानिक और तकनीकी कार्य वितरण कहाँ पे आपको जो है कि दिया जाएगा, कहाँ पे इसका जरूरत है कंपनी को आपके लिए, तो यहाँ पे जो है कि टेक्नीशियन कर्मचारी को सहायता प्रदान करने के लिए आपको दिया जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट हाथ की 02 इलेक्ट्रिकल, ऊपर था इलेक्ट्रीशियन और अब जो है कि सॉरी ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स था और अब जो है कि इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिकल में कितना है, टोटल 17 नंबर ऑफ सीट है, अनरिजर्व का 6 है, EWS का 1 है, OBC का 6 है, SC का 3 है और ST का 1 है, यहाँ पे PWD के लिए नहीं है। तो आपको यहाँ पे भी जो है कि आपको मिनिमम जो है कि मैट्रिक में साइंस मिला के जो आपका 55% मार्क्स होना चाहिए और आपके पास जो है कि ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, SCVT या NCVT कोई भी रहेगा तो आपका चलेगा, ठीक है। और यही जो है कि इसी में जो है कि क्वालिफिकेशन भी सेम मांगा जो है मांगा गया है, या तो आपके पास 2 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए या ITI प्लस ITI होना चाहिए या फिर आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको फिर है G203 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, तो इसमें जो है 11 नंबर ऑफ सीट है, रिजल्ट के लिए 4 है, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 4 है और SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है। अब विज्ञान जो इसमें भी जो है कि आपका जो है कि 55% मार्क्स होना चाहिए मैट्रिक में और जो है कि आपका जो है कि ITI सर्टिफिकेट जो है कि आपका सेम ट्रेड में इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका जो है कि ITI होना चाहिए और जो है कि आप या फिर आपके पास जो है कि 2 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट तो होना चाहिए और या फिर आपके पास 3 साल का कार्य एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में, कंप्यूटर के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है।
इस वजह से कि नंबर ऑफ सीट जो है कि 11 है, इसमें जो है क्रिटेरिया वाइज बांटा गया पीडब्ल्यूडी के लिए एक सीट है। और यहाँ पे जो है कि यहाँ भी आपसे मांगा गया है कि मैट्रिक वर्क का 55% मार्क्स होना चाहिए, और वो जो है कि आपके पास जो है कि दसवीं के समकक्ष का अंक और कंप्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड से में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपका NCVT या SCVT कोई भी रहेगा तो वो चलेगा। ओके, आपको फिर वही चीज सेम, या फिर आपका मैट्रिक में जो है कि 55% होना चाहिए, और आपका जो है कि सेम ट्रेड से 2 साल का जो है कि आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए एक्सपीरियंस के तौर पर, या फिर आपके पास सेम ट्रेड से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आता है फीटर के बारे में, तो G205 फीटर में 5 नंबर ऑफ सीट दिया गया, और रिजल्ट के लिए एक है, फिर EWS के लिए एक है, OBC के लिए एक है, SC के लिए एक है, ST के लिए एक है। तो यहाँ पे भी आपको वही जो है कि सेम आपको होना चाहिए ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास फीटर का, या फिर आपके पास जो है कि 2 साल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर 3 साल का सेम जो है इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और विज्ञान तकनीशियन आपका काम होना देगा काम। फिर है G206 ड्राफ्टमैन सिविल में, तो इसमें जो है कि 4 सीट दिया गया है, और रिजल्ट के लिए एक, EWS के लिए एक, OBC के लिए एक, और SC के लिए एक, और PWD के लिए भी एक सीट यहाँ पर रिजर्व किया गया है। तो यहाँ भी आपके लिए सेम क्रिटेरिया है, क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि आपके पास मैट्रिक में 55% मार्क्स होना चाहिए आपके पास, और जो है कि सेम ट्रेड से आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अप्रेंटिस के रूप में, या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर वेल्डिंग में है, वेल्डिंग में भी 4 सीट है, सेम जो है कि आपसे मांगा गया है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट के रूप में, आपसे बोला गया है कि आपको मैट्रिक में टेंथ हो जाए कि आपको 55% मार्क्स होना चाहिए, आपके पास या तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर ITI होना चाहिए। आपके पास जो है कि ऐसा नहीं है कि जिसके पास ITI है और अप्रेंटिस नहीं है तो वो नहीं भर सकता, वो भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है। फिर है G808 में मशीनिस्ट, मशीनिस्ट में नंबर ऑफ सीट 3 है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीनिस्ट का, मशीनिस्ट और टर्नर का जो है कि काफ़ी कम वैकेंसी रहता है, बट यहाँ पे आपका वैकेंसी निकला है तो जो है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे जो कि नंबर ऑफ सीट की बात की जाए तो 3 है, इन्होंने भी EW रिजल्ट को एक दिया है सीट है, EWS के लिए एक है, और ST के लिए एक सीट है, और सेम जो है कि आपके पास आप मशीन स्टेट से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आप जो है कि टेंथ में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, या फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सारे जो है अप्रेंटिसशिप के साथ ये सब होना चाहिए। फिर है G209 ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का, तो उसमें 1 नंबर ऑफ सीट है आपके पास, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मैट्रिक में 55% होना चाहिए, और आपके पास जो है कि SCVT या NCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिससे ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ट्रेड से। फिर यहाँ पे है 211 डाई मेकर G210, तो इसमें एक सीट है ऑन रिजल्ट के लिए, तो वो जो है कि सेम इसमें भी मांगा गया कि आपके पास जो है कि 211 डाई मेकर के लिए जो है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, और मैट्रिक में 55% मार्क्स होना अनिवार्य है। फिर है G211 डीजल मैकेनिक, इसमें भी एक सीट ऑन रिजल्ट के लिए दिया गया है, तो इसमें जो है कि नंबर ऑफ सीट जो है कि 55 नंबर ऑफ सीट एक है, जो कि डीजल मैकेनिक के लिए, वो भी ऑन रिजल्ट के लिए यहाँ पे रिजर्व किया गया है। सेम क्रिटेरिया है, आपको ITI होना चाहिए जो है कि डीजल मैकेनिक से, आपके पास 55% मैट्रिक में मार्क्स होना चाहिए। फिर है टर्नर, टर्नर का भी एक सीट है नंबर, वो भी ऑन रिजल्ट के लिए जो है कि शामिल किया गया है, तो इसमें जो है कि आपको मैट्रिक में आपके पास 55% मार्क्स होना चाहिए, प्लस जो है कि SCVT या NCVT की तरफ से जो कि आपके पास टर्नर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर है सीट मेटल, सीट मेटल में एक सीट है, और यहाँ पे जो है कि 55% आपका मार्क्स होना चाहिए, और सीट मेटल से ट्रेड से आपके पास ITI होना चाहिए। फिर ग्लास ब्लोअर के लिए, ठीक है, तो उसमें भी एक सीट है, नंबर ऑफ एक सीट है, आपके पास मैट्रिक में 55% मार्क्स होना चाहिए, प्लस आपके पास जो है कि ITI प्लस ब्लोअर ट्रेड से ITI सर्टिफिकेट तो होना चाहिए, जो कि NCVT या SCVT किसी से भी रहेगा तो वो चलेगा। फिर है रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशन, उसमें भी एक सीट है, और सेम जो है कि एज क्वालिफिकेशन मांगा गया है। और यहाँ पे अब जब बात किया जाए कि किसको कितना छूट दिया जाएगा, किसको फॉर्म में भरने में कितना पैसा लगेगा, तो ये सारा जो है कि यहाँ पे दिया गया है, जो है कि यहाँ पे देखिए देख सकते हैं कि अंगनवा में टेस्ट या परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए वैध अनुभव की गणना करते समय अंशकालीन आधार पर उम्मीदवार द्वारा प्रदान किए गए अनुभव की अवधि, दैनिक वेतन या मजदूरी आदि की गणना नहीं की जाएगी। ओके, फिर यहाँ पे छूट की बात की जाए तो आपको जो है कि जाति के अनुसार जो है कि ST SC के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल का आपको जो है कि छूट मिलेगा, ये इन्होंने क्लियर किया है।
अभी इसका जो है कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस की बात की, तो चयन प्रक्रिया कैसे की जाएगी, तो आपका जो उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए विधिवत गठित स्क्रीनिंग कमेटी अपने स्वयं के मापदंड अपनाए स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जो है कि आपको किया जाएगा। जो भी लोग सेलेक्ट होंगे ट्रेड टेस्ट में, जो भी उत्तीर्ण होंगे, यहाँ पे जो बोला गया उम्मीदवार को ट्रेड टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा, और उसके बाद ट्रेड टेस्ट में उत्तीर्ण होने वाले को प्रतियोगी लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ये जो है कि अब तक का सारे एग्जाम में आपने देखा कि पहले आप रिटर्न एग्जाम देते थे, उसके बाद जो कि आप प्रैक्टिकल देते थे, बट यहाँ पे जो है कि पहले ट्रेड टेस्ट जो है कि प्रैक्टिकल जो है कि पहले होगा और रिटर्न जो है कि बाद में होगा। जो प्रैक्टिकल पास होगा उसको जो है कि रिटर्न होगा। परीक्षा का कैसे लिया जाएगा, तो यहाँ पर दिया गया ओमर आधारित होगा या फिर कंप्यूटर आधारित इंस्ट्रूमेंट प्रकार विकल्प होगा, जो कि अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया कि ओमर सीट होगा या फिर कंप्यूटर सीबीटी एग्जाम होगा, ये जो है कि आपको बताया जाएगा। और ये जो है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों विषय में एग्जाम होगा, और जो कि परीक्षा का हमारा जो है कि एसएससी या आईटीआई और 12वीं के जो है कि 10th 12th और आईटीआई लेवल का आपका पास क्वेश्चन पूछा जाएगा। 150 क्वेश्चन रहेगा और 2 घंटा 30 मिनट आपके पास समय रहेगा, यानी कि 150 मिनट के लिए 150 क्वेश्चन का आपके पास पेपर होगा। अब किस किस विषय से कितना क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा ये भी इन्होंने क्लियर किया था। परीक्षा जो है कि आवंटित आपका 1 घंटे का होगा, वो मानसिक दक्षता के जिसको बोल लोग रीजनिंग बोलते हैं वो जो है कि 50 नंबर का रहेगा। फिर जो है कि अधिकतम 100 प्रत्येक सही का उत्तर जो है कि 2 अंक देंगे, नेगेटिव अंक नहीं रहेगा, या भी इन्होंने क्लियर कर दिया कि नेगेटिव नंबर नहीं रहेगा। फिर जो है कि सेकेंड पेपर जो है कि 30 मिनट का रहेगा, ये फर्स्ट पेपर था आपका मानसिक क्षमता, इसमें जो है कि आपको जो है कि रीडिंग वगैरह में आपको पास दे जाएगा मार्क्स। फिर उसके बाद है पेपर टू, इसमें जो है कि 30 नंबर रहेगा, 30 मिनट का आपके पास होगा जिसमें कि प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी। तो सामान्य जो है कि जनरल नॉलेज का 25 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश का 25 क्वेश्चन रहेगा, जो कि प्रत्येक सही उत्तर के 3 नंबर दिए जाएंगे और गलत उत्तर में 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो आप इसको ध्यान से देखिए, पेपर वन में जो है कि नॉन निगेटिव है, पेपर टू में 1 निगेटिव है, ठीक है। और 1/3 का रेशियो में यहाँ पे आपका होगा। पेपर थ्री भी यहाँ पे होगा जो कि 1 घंटा का होगा, तो वो जो है कि संबंधित मतलब आप जिस ट्रेड से अप्लाई किया हो सेम ट्रेड से आपका जो है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक सही नंबर क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिया जाएगा और गलत के लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा। आवेदन कैसे करना है, ये जो है कि यहाँ पे सारा चीज़ जो है कि आप लोग दिया गया है कि आप देख सकते हैं कि एनपीएल इंडिया जो ORG है वहाँ से आप उसका जो है कि वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, पेपर वगैरह को आप वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जो कि आप और जो कि फॉर्म फिल करने का चार्ज आपके पास 100 रुपया लगेगा जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, और आप जो है कि इसको डिमांड ड्राफ्ट के साथ भी जो कि अप्लाई कर सकते हैं हम। ये सारा जो है किस कितना फोटो साइज है वो सारा जो है यहाँ पे दिया गया जो कि एक नॉर्मल होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो भी नोटिफिकेशन एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपका नोटिफिकेशन होगा या फिर जो भी वैकेंसी आता है सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो अगर तो आप लोग जो है कि वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अगला जो भी नोटिफिकेशन आए और जो भी मैं कंटिन्यू जो है कि आपका ONGC का भी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, अनदर जो कि आप जो भी तैयारी करते हैं ITI लेवल का, तो आप वहाँ पे हमारा प्लेलिस्ट को जो मैं आप देख सकते हैं वीडियो, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ से जाके जो है कि वीडियो देखिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।